ब्लैक मैजिक क्या है और उसका इलाज क्या है? जी, ब्लैक मैजिक को सिहर कहते हैं। सिहर एक्चुअली हकीकत में ब्लैक मैजिक है, और जो आंखों का धोखा जो वो वाला होता है ना, जादूगर आंखों का धोखा, उससे भी उलमा ने बचने कहा है, क्योंकि हकीकत में वो झूठ तो है ही ना। हाँ, झूठ तो है ही। अब अमेजोन में आपने ऑर्डर करके मैजिक गेम, हाँ वो क्या होती है, स्किल होती है, स्किल बेस्ड होती है। लेकिन अगर मैजिक शो है और उसमें आदमी जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या कर रहा है खुद, तो ये चीज क्या होता है कि एक तरह से झूठ तो है ही, इन एनी केस बेवकूफ बनाना तो इन अ वे है ही। तो उलमा ने शेख सालेह अल फौज़ान वगैरह का फतवे हैं, उन्होंने उसके तहत उसे मना किया है, बोले नहीं जाना चाहिए ऐसी चीज में। लेकिन वो ब्लैक मैजिक वाले जो जादूगर की जो हद आए थे ना कि कुफ्र है वगैरह, वो उस पर अप्लाई नहीं हो रही। वो गलत भले ही है, नहीं करना चाहिए, उससे बेटर चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, अच्छी चीजें। लेकिन सिहर, वो जो सिहर वर्ड होता है, वो ब्लैक मैजिक के लिए यूज होता है। तो ब्लैक मैजिक सिहर को कहते हैं। कई सारे कल्चर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनों का कंसेप्ट कई कल्चर्स में है, उसी तरह जादू का कंसेप्ट भी होता है। और ये एक तरह से जो जिनों की दुनिया एक लेवल पे एक्टिव है, उनके कुछ ना कुछ चीजें तो आएगी ना रिजल्ट्स कहीं ना कहीं।